उत्तम नगर विधानसभा के वार्ड 26 एस मोहन गार्डन में भाई महावीर फौजी द्वारा आम आदमी पार्टी कार्यकारी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम मोहन गार्डन के RWA के प्रधान, उप प्रधान और जनरल सेक्रेटरी मौजूद दिखे। इस अवसर पर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा प्रत्याशी बलवीर सिंह जाखड़ और उत्तम नगर विधायक नरेश बालियान उपस्थित हुए, जिन्होंने वहां सभी लोगों को आम आदमी पार्टी को वोट देने को और दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की बात कही। उत्तम नगर विधानसभा के मोहन गार्डन वार्ड में क्या कहना है? ये आपको काफी बार मैं कह चुका हूँ, मीडिया वाले लोग आप यहाँ के उत्तम नगर के लोगों को देख सकते हैं कि इनका कितना प्यार मेरे प्रति है, कितनी इज्जत मेरे प्रति है, और जो इन्होंने आज रेस्पेक्ट इज्जत मेरे को दी है, मैं इनसे ज़्यादा तो नहीं, इनके बराबर इनको इज्जत ऐसे दूंगा हमेशा। उत्तम नगर विधानसभा विधायक हैं, क्या कहना चाहेंगे? बलबीर जाखड़ जी, मेरा मानना है और हमारी कोशिश है और 100% इसमें सक्सेस रहेंगे कि पूरी 10 विधानसभा में सबसे ज़्यादा मार्जिन रहेगा उत्तम नगर रहेगा। आज सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं, उन सबके लिए क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए, आज कार्यकर्ताओं में कितना जोश है, बहुत सारी मीटिंग होती है, मैं भी बहुत जगह जाता हूँ, लेकिन जितना जोश यहाँ है उत्तम नगर विधानसभा के लोगों के लिए, सारे लोग तन मन धन से जुटे हुए हैं जाखड़ साहब के साथ, और 12 मई का दिन ऐतिहासिक होगा और पूरी दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा वोटों से जाखड़ साहब जीते। देखिए भाई, फौजी जी भी एक आम कार्यकर्ता है मेरी तरह, जैसे मैं भी कार्यकर्ता हूँ, नरेश जी भी कार्यकर्ता हैं, ये सारे लोग जितने कार्यकर्ता हैं ये तन मन धन से सब मेरे लिए लगे हुए हैं, और ये मेरे लिए नहीं, ये अपने लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, केजरीवाल जी के लिए है। हम चाहते हैं दिल्ली की जनता के लिए पूर्ण राज्य, हर दिल्ली की जनता, उत्तम नगर की जनता, सारी दिल्ली ये चाहती है कि पूर्ण राज्य बने, इसलिए जितना जनसमूह है ये आप देख रहे हैं, इसीलिए है कि हमें पूर्ण राज्य चाहिए और इस पूर्ण राज्य हम लेके रहेंगे। आज उत्तम नगर विधानसभा के वार्ड मोहन गार्डन 26 एस में भाई महावीर फौजी द्वारा आम आदमी पार्टी की कार्यकारी बैठक रखी गई थी, जिसमें पश्चिमी दिल्ली के जो प्रत्याशी हैं बलबीर सिंह जाखड़ आम आदमी पार्टी से, वो यहाँ उपस्थित हुए थे। भाई महावीर फौजी से बात करते क्या कहते हैं? महावीर जी, आज की जो कार्यकारी बैठक रखी थी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको जैसे मालूम है कि आने वाली 12 मई को दिल्ली में चुनाव है लोकसभा का, जो हमारे देश की जो सबसे बड़ी जो चुनाव है वो लोकसभा का है, और उसमें जो हमारे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी है हमारे भाई बलबीर सिंह जाखड़ जी, आज हमने वार्ड 26 एस मोहन गार्डन नॉर्थ के अपने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया था, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने खुद देखा कि बैठने की जगह नहीं मिली, और ये लगभग 250 से 300 साथी मेरे आए थे वार्ड 26 के, और उन सब ने प्रण लिया आज, जो दिल्ली सरकार ने काम किया है यहाँ पर आम जनता के लिए, उससे प्रेरित होकर सब लोगों ने जातिवाद को, क्षेत्रवाद को छोड़कर, आज वो जो है विकास के नाम पर जो है भाई बलबीर सिंह जाखड़ के साथ आज हम सब लोगों ने प्रण लिया है कि आने वाली 12 मई को भारी मतों से जो दिल्ली में जो सबसे बड़ी जीत होगी वो भाई बलबीर सिंह जाखड़ की होगी 7 सीट में से, और जो पूरी 10 विधानसभा में बलबीर भाई की जो 10 विधानसभा लगती है उसमें जो सबसे बड़ी जीत होगी वो हमारी उत्तम नगर विधानसभा से होगी, और वार्ड 26 एस से जो कि मेरी धर्मपत्नी शकुंतला महावीर फौजी यहाँ से लड़ी है, जो कि बहुत कम मार्जिन से हम रह गए थे, आज हम हमारे साथियों ने ये प्रण लिया है कि पूरे उत्तम नगर विधानसभा में जो सबसे बड़ी जीत होगी वो मोहन गार्डन से होगी, हम सब ने ठाना है भाई बलबीर सिंह जाखड़ को भारी मतों से जिताना है। आज की जो बैठक थी, जितने भी यहाँ पे आपके कार्यकर्ता मौजूद थे आम आदमी पार्टी के, उन सबके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ उनसे यही कहना चाहूँगा कि जो भाई बलबीर सिंह जाखड़ जो आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी दिया, बहुत ही नेक और ईमानदार और बहुत ही जुझारू साथी दिया है, और जो आज तक के जो यहाँ पर जो MP रहे हैं उनकी हमने आज तक शक्ल नहीं देखी, भाई बलबीर सिंह जाखड़ ने वचन दिया और मैं भी वचन देता हूँ अपने वार्ड 26 एस के सभी कार्यकर्ता उत्तम नगर के लिए कि वो जब आवाज़ देंगे भाई बलबीर सिंह जाखड़ और भाई नरेश बालियान हमारे बीच में रहेंगे, और जो विकास की जो गति है दिल्ली सरकार की उसको और तेज़ गति देंगे हमारे भाई बलबीर सिंह जाखड़ जी।